A very good morning to you all. How are you all? I hope you all are fine. Now boys, today mom is going to teach you a story. And the story is two cats and a monkey. First, mom is going to explain you in Hindi, then we'll do it in English. So are we ready? So, एक बार दो बिल्लियां थी, उन्होंने एक केक चुरा लिया और फिर दोनों लड़ने लगे, मैं खाऊंगी। फिर वो एक बंदर के पास गए, बंदर ने क्या किया, बंदर ने उस केक के दो टुकड़े कर दिए और बोला आधा आप खाओ और आधा आप खाओ, बट उसमें से एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था, तो बंदर ने सोचा कि वो उस केक को खाकर दोनों टुकड़ों को बराबर कर देगा, मगर जब भी वो उसमें से खाता तो फिर एक छोटा हो जाता, फिर एक बड़ा हो जाता, फिर वो दोबारा खाता, फिर वो छोटा हो जाता, फिर वो बड़ा हो जाता, ऐसे करते 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 बंदर ने पूरा केक खा लिया और बेचारी बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। इसे हम क्या सीखते हैं बॉयज? इसे हम ये सीखते हैं कि हमें अपने फ्रेंड्स पर विश्वास करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। अच्छी लगी आपको स्टोरी बॉयज? यही अब हम इंग्लिश में करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट योर स्टोरी गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन विच इज गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आई स्टडी इन LKGE, द टाइटल ऑफ माय स्टोरी इज टू कैट्स एंड अ मंकी। टू कैट्स स्टोल अ केक, they fought to have it, they went to a monkey, the monkey broke the cake into two pieces and said each will get half of the cake, one piece was bigger, the monkey decided to eat the cake and equal it, each bite made the other unequal, in the end the monkey ate the whole cake and ran away. The cats got nothing. The moral of the story is we should trust our friends more than others. Alright boys, now you will learn the story with correct pronunciation, actions. Until we meet next, bye-bye.